अगर आपने रिसेंटली एशियन कप क्वालिफायर्स देखे होंगे तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इंडियन फुटबॉल टीम के तीनों ही मैचेस में हमारे प्लेयर्स के पीछे किसी का भी नाम नहीं था और ना ही कोई था ब्रांड स्पॉन्सर। और सिर्फ इंडियन फुटबॉल टीम ही नहीं, इंडिया के सभी ग्रुप स्टेज ओपोनेंट्स जैसे कि कंबोडिया, अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के भी प्लेयर्स के पीछे उनके नाम गायब थे। तो आपके मन में मेरी तरह एक बार जरूर सवाल आया होगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो इसके पीछे के रीजन को समझने के लिए जानते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा की गाइडलाइंस को, जो कि कहता है कि फीफा टूर्नामेंट्स के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के अलावा और कोई भी ब्रांड अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकती किसी भी तरह से। तो इसीलिए इंडिया ही नहीं बल्कि किसी भी कंट्री की जर्सी में उनके किट सप्लायर के अलावा और कोई स्पॉन्सर नहीं दिखता। लेकिन ये रूल सिर्फ इंटरनेशनल गेम्स में ही लागू होता है, फुटबॉल क्लब्स के लिए नहीं। फन फैक्ट, क्या आपको पता है कि इसी रीजन के वजह से फीफा ने गोल सेलिब्रेशन पर शर्ट उतारने पर येलो कार्ड इंट्रोड्यूस किया, टू स्टॉप प्लेयर्स फ्रॉम प्रमोटिंग पर्सनल स्पॉन्सर और मैसेजेस भी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सर्स। तो अब बात करते हैं एशियन क्वालिफायर्स में इंडिया और बाकी सभी प्लेयर्स के पीछे के नाम ना होने की। तो इसका सिंपल सा रीजन है जो कि है स्क्वाड टेस्टिंग, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादातर स्मॉल फ्रेंडलीज और क्वालिफायर्स में नेशंस अपने अपकमिंग यंग प्लेयर्स को टेस्ट करती हैं फ्रॉम द फर्स्ट टीम, और ज़्यादातर ऐसे छोटे गेम्स और फ्रेंडलीज में मेन प्लेयर्स को तो कॉल नहीं किया जाता है या फिर फर्स्ट टीम में इंक्लूड करके भी रेस्ट दिया जाता है। क्योंकि स्क्वाड टेम्प्ररी होती है तो यंग प्लेयर्स को रैंडमली नंबर असाइन किया जाता है एक्सेप्ट अ फ्यू बिग स्टार्टर्स एंड आइकॉनिक नेम्स। लेकिन अब अगर बात करें फीफा वर्ल्ड कप या फिर एएफसी एशिया कप की जो कि 2023 में होने जा रही है, तो वो एक बड़े और प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स होते हैं। नेशंस उनके लिए फाइनल लिस्ट ऑफ प्लेयर्स और किट नंबर्स काफ़ी ही एडवांस में अनाउंस कर दी है, जिसका मतलब है कि एशिया कप में आप अपने फेवरेट इंडियन फुटबॉलर के पीछे उसका नाम ज़रूर देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियोज़ फ्रॉम अस। This is Pranay from Tackle From Behind, and I will see you in the next video.